फ्रेंड्स, वेलकम टू आरके लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं, DOE की ऑफिशियल वेबसाइट को इस समय पर हम विजिट कर रहे हैं और आज डेट है 21 जून 2022। और फ्रेंड्स, आज मंगलवार के दिन योगा डे भी है, तो आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब योग कीजिएगा, हेल्थी रहिएगा, फिट रहिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, अब अपडेट को हम चेक करते हैं। देखिए, 21 जून 2022 की जो भी लेटेस्ट अपडेट है वेबसाइट पर आपको चेक करनी होती है। फ्रेंड्स, ये पब्लिक सर्कुलर वाली ऑप्शन को आप चेक कीजिएगा। तो पब्लिक सर्कुलर में जैसे ही आप क्लिक करते हैं, इस तरह से न्यू वाली ऑप्शन आपके पास ओपन हो जाती है। तो फ्रेंड्स, जो भी ये न्यू नोटिसेज होते हैं, यहाँ इनको अपने अकॉर्डिंगली आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी आपकी पोस्ट है जिसके रिगार्डिंग भी आपको नोटिस चेक करना है, इसको डाउनलोड करके आप लोग चेक कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आप लोग विजिट कर सकते हैं, यहाँ से भी नोटिसेज को आप इजीली डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम की ID फ्रेंड्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को प्रोवाइड करा दी जाती है। तो अगर आपकी कोई क्वेरीज है, आप लोग वहां कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं, 21 जून 2022 की लेटेस्ट अपडेट जारी की गई है। ये 20 जून 2022 को शाम को अपडेट किया गया है और इसके साथ ही जो भी न्यू और लेटेस्ट अपडेट है फ्रेंड्स, वो हम आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर करने जा रहे हैं। आइए नोटिसेस को एक एक करके हम चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं, ये यहाँ अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स जारी किए गए हैं, आज की बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है ये। पोस्टिंग आईडी आपकी दे दी गई है और लेक्चरर फिजिकल एजुकेशन फीमेल, पोस्ट कोड है 80/20, पे स्केल और जो आपका ग्रेड पे वगैरह है ये सब यहाँ बता दिया गया है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये जो कैंडिडेट है, यहाँ इनको रिपोर्ट करने के लिए बोला गया है जो इनका पोस्टिंग प्लेस है। लेटेस्ट डेट आपकी दी गई है 20 जुलाई, और ये आपका एम्प्लॉय नेम, आपकी पोस्ट लेक्चरर फिजिकल एजुकेशन, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी जनरल, और पोस्टिंग आपकी जहां हुई है पुटकला रोहिणी एक्सटेंशन, तो ये आपका एड्रेस दे दिया गया है। तो 20 जुलाई 2022 तक आपको यहां पर इस पोस्टिंग प्लेस पर आपको रिपोर्ट कर देनी है, अदरवाइज आपकी जो अपॉइंटमेंट है उसको कैंसिल किया जा सकता है विदाउट एनी फर्दर कम्युनिकेशन। ठीक है फ्रेंड्स, ये डिटेल यहां आपकी दी गई है, इनको आप चेक कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं जो अभी के अभी DOE के द्वारा जारी की गई है। और फ्रेंड्स देखिए, चाहे DSSSB की रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट है, या फिर DOE की, या EDOGS की, या फिर DSSSB, KVS, NVS, या ऑल ओवर इंडिया से टीचिंग रिक्रूटमेंट की कोई भी अपडेट है फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो कोई भी अपडेट चैनल पर अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके और आपकी कोई अपॉर्चुनिटी मिस ना हो सके। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, DSSSB में अगर आपने किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो आप लोगों ने देखा ही होगा, जब EDOGS की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, यानी आपका फाइनल रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाता है, तो उसके बाद आपका EDOGS DOE डिपार्टमेंट यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट को भेज दिया जाता है फर्दर प्रोसेस के लिए। जैसे कि आपका अपॉइंटमेंट ऑर्डर जारी किए जाते हैं, ज्वाइनिंग लेटर आपको दिया जाता है, मेडिकल आपका किया जाता है, वेरिफिकेशन आपकी होनी होती है, मेमोरेंडम्स जारी किए जाते हैं, तो ये सारी प्रोसेस आपका DOE डिपार्टमेंट करता है, जिसकी वेबसाइट इस समय हम विजिट कर रहे हैं। और आपको जो ये अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स हम शेयर कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये DSSSB की जो रिक्रूटमेंट है उन्हीं की नेक्स्ट अपडेट है, उन्हीं की नेक्स्ट प्रोसेस है। तो फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं, लेक्चरर इकोनॉमिक्स फीमेल, पोस्ट कोड है 67/20, ये पे स्केल और ग्रेड पे आपका बता दिया गया है। तो यहाँ आपकी रिपोर्टिंग डेट है 23 जुलाई 2022, पोस्टिंग प्लेस पर आपको रिपोर्ट करना है, अदरवाइज आपका जो अपॉइंटमेंट है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा बिना किसी फर्दर कम्युनिकेशन के। एम्प्लॉय का नेम आपका यहाँ आप देख सकते हैं, ये सुरभि शर्मा है, और पोस्ट आपकी लेक्चरर इकोनॉमिक्स, डेट ऑफ बर्थ आपकी दी गई है, कैटेगरी दी गई है, और पोस्टिंग प्लेस जहाँ आपकी पोस्टिंग की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप अपना यहाँ रिपोर्ट जरूर कर दीजिएगा टाइम रहते, जो भी गिवन टाइम पीरियड आपको दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मेमोरेंडम जारी किया गया है, ग्रेड 2nd DAS के लिए, पोस्ट कोड है 81/17। तो ये फिजिकली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, किस तरह से क्या प्रोसेस रहती है, इससे पहले वाली जो वीडियो हमने संडे को अपलोड की हुई है फ्रेंड्स चैनल पर, उसमें आप देख सकते हैं डिटेल में हमने कुछ चीजें वहां आपको बताई है, जैसे कि कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने हैं, किस तरह से वेरिफिकेशन कराना है, और उससे भी अगर डिटेल वीडियो आपको देखनी है तो 19 मिनट की वीडियो चैनल पर अपलोड की हुई है, एक एक स्टेप को डिस्कस करते हुए उसे आप चेक कर लीजिएगा। इसके साथ ही नेक्स्ट
नोटिस को हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये भी मेमोरेंडम यहाँ जारी किया गया है और ये 35 कैंडिडेट के मेमोरेंडम जारी किए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 81/17 ये पोस्ट कोड है, ग्रेड सेकंड दास की ये पोस्ट है, मेमोरेंडम ये जारी किए गए हैं। सारी डिटेल्स फ्रेंड्स आप लोग डाउनलोड करके चेक कर लीजिएगा। अगर आप कहेंगे तो नोटिस हम आपको टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल करा देंगे, अदरवाइज आप वेबसाइट पर भी इनको डाउनलोड करके इजीली चेक कर सकते हैं। और देखिए 19 नंबर ये जो कॉलम है इसको आप जरूर से जरूर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपका वेन्यू यही दिया गया है फ्रेंड्स। और आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट 30 जून 2022 2 बजे का समय आपको ये दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आप सभी के लिए बड़ी गुड न्यूज है, क्योंकि इस दिन का कैंडिडेट्स को बड़ी बेसब्री से इंतजार होता है जब उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया जाता है, जब उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मेमोरेंडम जारी किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स इनको आप डाउनलोड करके चेक कर लीजिएगा, 35 कैंडिडेट के ये मेमोरेंडम जारी किए गए हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोग इनको आराम से चेक कर लीजिएगा, जो जो चीजें यहाँ पर रिक्वायर है वो सब आप अरेंज कीजिएगा। क्या आपको ओरिजिनल लेकर जाना है, कौन से डॉक्यूमेंट की आपको फोटो कॉपीज लेकर जानी है, कितने सेट लेकर जाने हैं, कितने फोटोज लेकर जाने हैं, कौन से सर्टिफिकेट आपको चाहिए, वो सब यहाँ बिल्कुल ध्यान से आप चेक कीजिएगा। और हमने वीडियो में भी आप लोगों को बताया हुआ है अंडरटेकिंग्स जो है, आपकी सेल्फ डिक्लेरेशन है, ये सब ध्यान से आप देखिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो कमेंट करके आप हमें बता दीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोगों की हेल्प के लिए ही ये चैनल हमने स्टार्ट किया हुआ है। और आइए नेक्स्ट नोटिस को हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ईडोजीएस को रिटर्न किया गया है, ये कल शाम की अपडेट है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसे खुशी की खबर भी कहा जा सकता है उन कैंडिडेट के लिए जिनका की वेटिंग पैनल लिस्ट में सिलेक्शन हुआ है, और इसकी अगर वैलिडिटी अभी रहती है तो आप सबके लिए ये खुशखबरी है। रिटर्निंग ऑफ डोजियस ऑफ असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, पोस्ट कोड है 89/17। तो 89/17 पोस्ट कोड असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के ई डोजियस को रिटर्न कर दिया गया है, DBBB को। यहाँ आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, नेम ऑफ सब्जेक्ट में असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, पोस्ट कोड 89/17, कैंडिडेट है यहाँ पर 4, यानी 4 ईडोजीएस को रिटर्न किया जा रहा है, जिसमें कि 2 जनरल के हैं, 1 एससी का है, 1 ओबीसी का है। ये टोटल मिलाकर 4 कैंडिडेट हैं जिनके ईडोजीएस को DBBB को रिटर्न कर दिया गया है। और इनके देखिए नेम भी यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, रोल नंबर्स दिए गए हैं फ्रेंड्स, डेट ऑफ बर्थ दी गई है, कैटेगरी वाइज बता दिया गया है। 3 कैंडिडेट ने तो यहाँ ज्वाइन ही नहीं किया है, और जो 4th कैंडिडेट है ये रोहित, इन्होंने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं कराए हैं, तो रीजन भी दे दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो यही लेटेस्ट अपडेट थी जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा अभी तक जारी की गई थी, जिसे हम आप लोगों के साथ शेयर कर चुके हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स हम आपको बता देते हैं, देखिए किस तरह से आप नोटिस को चेक करेंगे डाउनलोड करके, वो हम आपको बता चुके हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर अपॉइंटमेंट्स के ये 4 ऑर्डर जारी किए गए हैं DOE के द्वारा 21 जून 2022 के, तो इनको आप अपने अकॉर्डिंगली चेक कर लीजिएगा जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है। और इसके साथ ही फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर 20 जून का हमने एक ही नोटिस आप लोगों के साथ शेयर किया है, क्योंकि यहाँ देखिए ज्योग्राफी के भी यहाँ कई नोटिस जारी किए गए हैं जो की अपॉइंटमेंट ऑर्डर है, तो आप इनको अपने अकॉर्डिंगली चेक कर लीजिएगा, डाउनलोड करके देखिएगा, हो सकता है आपका रोल नंबर नेम वगैरह यहाँ दिया गया हो। तो फ्रेंड्स ये 20 जून के यहाँ 5-6 अपडेट है, इनको आप देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर ये एक अटेस्टेशन फॉर्म भी जारी किया गया है, जो कि वेरिफिकेशन के दौरान यहाँ इसकी जरूरत होती है, तो इसको भी आप चेक कर लीजिएगा। और मेमोरेंडम हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स अभी तक की यही लेटेस्ट अपडेट थी जो कि DOE के द्वारा जारी की गई थी, जिसे हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। आई होप वीडियो आप लोगों को जरूर इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो फ्रेंड्स वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिएगा, ताकि ये इन्फॉर्मेशन और भी कैंडिडेट तक पहुँच सके। और अगर किसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है और उस तक ही अपडेट नहीं पहुंच पाई, तो फ्रेंड्स उसका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो इसके लिए अगर आपके जो कोई भी रिलेटिव्स हैं जिन्होंने DBBB में अप्लाई किया है, तो उन तक ये इन्फॉर्मेशन आप जरूर पहुंचाइएगा। ओके फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।